अपनी श्रेय देना चाहूंगा यहाँ की जो मेरी जनता है, करौली धौलपुर की जनता और सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने जिस तरह से मेरे ऊपर प्यार और आशीर्वाद दिया, लगातार मैं 2 महीने से यही हूँ और उन्होंने जिस तरीका से कैंपेन किया और जिस तरीका से मेरे शीत नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद और जनता का बहुत बड़ा प्यार मिला है, उसी का नतीजा है कि आज हम भारी बहुमत से ये यहाँ पर सीट हम लोग जीत रहे हैं। और जिस तरीका से मैं सरकार में मंत्री था और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री था, पीडब्ल्यूडी मंत्री था, और जिस तरह से यहाँ सड़कों का काम हुआ, मुझे लगता है राजस्थान के इतिहास में इतना बड़ा काम नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं, सोने का बुर्जा का पुल धौलपुर के अंदर बनवाया और हम लोगों ने बाड़ी का बाईपास, बसई नवाब का बाईपास, सैपब का बाईपास और अपना जो एक रोड जो जोगनेर के लिए जाती है वो रोड और तमाम जो मिसिंग लिंक्स हमने धौलपुर में बनवाई। करौली की बात करूं तो मैं लगा के मंडरायल रोड, आपका चंबल का पुल और अपना लालसोट से लेके यहाँ तक करौली तक नेशनल हाईवे मासलपुर वाला रोड, ये जो स्टेट हाईवे बने हैं उसी का नतीजा है कि जनता ने एक तरह से कहा कि ये वही मंत्री है, सड़कों वाला मंत्री है। तमाम मिसिंग लिंक, हमारी सरकार की जो योजनाएं थी, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी, प्राथमिकता हम लोग सब लोग आप लोगों से बैठ के चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसको किस तरीका से कार्यबद्ध योजना समयबद्ध योजना बनाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए जितना हम लोग कर सकते हैं मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगा और इन सब जनता का मैं कृतज्ञ आभारी हूँ। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जो दिल्ली में मेरे जैसे किसान के बेटे को, गरीब किसान के बेटे को यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर वहाँ पर भेजा है, मैं उनका कृतज्ञ आभारी हूँ और हम सब लोग मिलकर सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने आशीर्वाद दिया है।